الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم ओ मुकर्रम ओ मुअज़्ज़म सामईन किराम, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ हो जो हर किस्म की तारीफ़ात के लायक है, जिसने हमको आपको पूरे जहान को पैदा किया। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम का तोहफ़ा हो नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा रसूल अरबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो ज़ात मुक़दसा मुबारक मुतहरा की रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए इस्लाम जैसी अजीम नेमत हम तक पहुँची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर मुझे बात करनी है वो मौजू है कोविड-19 के बढ़ते हुए हालात में मुस्लिम उम्मा को चंद नसीहतें। मोहतरम हज़रात, रब्बुल आलमीन इंसान के गुरूर को कुचलने के लिए, इंसान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए, मकसद ज़िंदगी से आगाह करने के लिए और आखरत के आने वाले ख़तरे का सबक याद दिलाने के लिए रब्बुल आलमीन हमें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता रहता है। और इस वक्त हमारे सामने कोरोना वायरस की शक्ल में रब्बुल आलमीन की एक निशानी जो है वो मौजूद है। इन हालात में मैं चंद नसीहतें किताबो सुन्नत की रोशनी में आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे सीधी सच्ची बात कहने वाला बनाए और हम तमाम लोगों को उन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए। पहली नसीहत तो ये है कि इन हालात में या कभी भी ऐसे हालात पैदा हों तो हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। एक मोमिन के शान के खिलाफ है कि वो अपने दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ का खौफ रखे। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए हमारे दिलों के अंदर। क्या हमें नहीं मालूम? क्या दीन इस्लाम ने हमें यह नहीं बताया? क्या हमारा अकीदा यह नहीं कि मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है? क्या हमें यह बताने की जरूरत है या आपको बताने की जरूरत है कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, जब वो वक्त आएगा तो उससे एक सेकंड पहले भी नहीं हो सकता और उसके एक सेकंड बाद भी नहीं हो सकता। अगर मौत इसी सिचुएशन में लिखी है तब भी वाकई होगी, अगर नहीं लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत मौत को नहीं ला सकती है। मौत किसके अख्तियार में है? अल्लाह के अख्तियार में है, अल्लाह के अख्तियार में। यह अच्छी तरीके से जान लीजिए, अगर मौत इन अय्याम में लिखी हो, कोरोना वायरस ना भी हो, तब भी मौत वाकई होगी। और मौत नहीं लिखी हुई हो, हजार बम बारूद भी गिर जाए, तब भी मौत वाकई नहीं हो सकती। इसलिए कि मौत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा होना चाहिए। इसलिए याद रखिए, अपने ऊपर वहशत को,
दहशत को, खौफ को मुसल्लत मत कीजिए। मरने से पहले मरते रहें सोच सोच करके, ये सोच सोच करके, अब तो बहुत भयानक बीमारी है, अब तो मरना तय है, अब मर जाएंगे, अब तो जिंदा नहीं रहेंगे, अब तो क्या होगा, क्या होगा, फैमिली में से कितने लोग जाने वाले हैं, इस तरीके से सोचते रहना एक ईमान वाले की शान के खिलाफ है। एक ईमान वाला ऐसा नहीं सोचता। इसीलिए कि जान लीजिए, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना, अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो फैसला कर दिया है वही हमको पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा। अगर खैर लिखा है तो खैर पहुंचेगा, शर लिखा है तो शर पहुंचेगा। अगर खैर लिखा हुआ है तो शर कोई नहीं पहुंचा सकता, और अगर शर लिखा हुआ तो खैर कोई नहीं पहुंचा सका सकता। हुआ मौलाना, हमारा मौला वो है अल्लाह ताला, उस पर हमारा भरोसा होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए। आज का मुसलमान भी बड़ा अजीब है, डरना चाहिए अल्लाह की नाराजगी से तो डरता है कोरोना से, डरना चाहिए कि अल्लाह नाराज हो जाएगा तो जहन्नम में डाल देगा, उसके अजाब का खौफ होना चाहिए, अल्लाह के अजाब का। तो इंसान क्या करता है, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों से डरता है। अल्लाह का डर जब दिल से चला जाता है ना, तो दुनिया के तमाम डर आकर बैठ जाते हैं। और यही आज का अजीब इंसान कि मौत से बचने की हजार कोशिशें करता है, हालांकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि मौत से बचा नहीं जा सकता। इंसान जानता है कि मौत से बचा नहीं जा सकता और जहन्नम से बचने की जरा भी कोशिश नहीं करता, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि जहन्नम से बचा जा सकता है। जिससे बचा जा सकता है उसके वास्ते कोशिश ही नहीं, और जिससे बचा नहीं जा सकता, जब वो वक्त आएगा कोई नहीं बच सकता, तो उसके बचने के लिए, उससे बचने के लिए हजार कोशिशें करता है। अब दूसरी नसीहत सुनिए, क्योंकि इसके बाद ही वो दूसरी नसीहत करना ज्यादा बेहतर है। इन बातों का मतलब ये नहीं है कि मौजूदा हालात में हम एहतियात ना करें, बाहर निकल जाए सीना खोल कर, अल्लाह का डर सिर्फ है, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह का खाली डर रखते हैं, कोई कोरोना वरोना कुछ भी नहीं, सबसे मिलते सब कुछ करते, सब कुछ करते, कोई एहतियात नहीं, ये ईमान वाला नहीं, ये भी ईमान वाला नहीं। इसीलिए कि देखिए, ईमान के साथ अगर एहतियात भी हो बहुत बेहतर, हमारा ये ईमान हो कि कोई बीमारी अपनी मर्जी से किसी को नहीं लग सकती जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात भी हो। एहतियात का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं तभी बचे हुए हैं, एहतियात का मतलब ये कि अल्लाह बचा रहा है तो बच रहे हैं, लेकिन एहतियात भी करना है और अकीदा ये रखना है कि किसी बीमारी से कोई बीमारी नहीं लगती है, कि इनको छूंगा तो मुझे लग जाएगी, इनको छूंगा तो मुझे लगे, किसी बीमारी से कोई बीमारी नहीं लगती, ये अकीदा हो, लेकिन साथ में एहतियात भी हो। अच्छा, अब कोई आदमी कहेगा नहीं भी ऐसा है तो कोई दलील बताइए। चलिए मैं उनकी दलील बताता हूं जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, है ना, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतियात में बताता हूं। ये एक वाकया है, इब्ने माजा के अंदर भी है, हदीस नंबर 3544, सही मुस्लिम के अंदर भी है 2231 हदीस नंबर। फतेह मक्का के बाद का वाकया है, कबीले सकीफ एक कबीला आया इस्लाम कबूल करने के लिए, चंद लोग आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई कबीला आता था, कुछ लोग आते थे तो औरतों से नहीं, औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, मगर मर्द हो तो अहदो पैमान लेते थे कि मतलब अल्लाह की इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, पक्का वादा करो, है ना, अहदो पैमान करते थे। उसमें एक बंदा ऐसा भी आया उस वक्त जो कोढ़ का मरीज था। किसका मरीज था? कोढ़ का मरीज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तक पैगाम पहुँचा दिया कि तुम मत आओ अहदो पैमान के लिए, बैत के लिए, तुम्हारा अहदो पैमान समझ लो मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। जिस तरह दूसरे लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत ली, उससे बैअत नहीं ली। हालांकि दूसरे वाकयात मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कोढ़ के मरीजों से मिले हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। यानी बताया उम्मत को कि अकीदा तो यही हो कि अल्लाह सब कुछ करने वाला है, लेकिन एहतियात भी कर सकते हो,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पता चलता है। अब कोई शख्स कहे अरे जो एहतियात करता है एहतियात के नाम पर ये सब करता है वो बंदा अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को आप क्या कहेंगे? आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? तो एहतियात भी कीजिए, जो एहतियात बन सकता है उसको बिल्कुल भी कीजिए। तीसरी नसीहत देखिए, जो इस वक्त बीमार हो, बीमारी में मुबतला है, या कोरोना वायरस की वजह से कोई आदमी ख़त्म हो गया, उस खबर को फैलाइए नहीं। आजकल हम सवाब समझकर फैला रहे हैं और समझते हैं एक जिम्मेदारी है, स्टेटस, इतने पेशेंट हो चुके, इतना ऐसा हो चुका, वहाँ इतनी हालत ख़राब है, कोरोना वायरस का मरीज देखो कैसा तड़प तड़प कर मर रहा है, ये देखो क्या हो रहा, वो देखो क्या हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या होगा? सिर्फ खौफ आम होगा, खौफ, सिर्फ लोगों के अंदर खौफ फैलेगा। आप अच्छी खबरें फैलाइए, वो खबरें फैलाइए जो लोगों को इत्मीनान दिलाएं। खौफ वाली खबरें फैलाएंगे जो कमजोर दिल के हैं वो तो बीमारी से पहले मर जाएंगे। और ऐसे कितने वाकया सामने आ चुके हैं कि सिर्फ आदमी हल्का फुल्का बीमार था लेकिन उसको इतना डर उसके दिल के अंदर आ गया कि डर की वजह से मर गया। हमारे निर्मल में भी कितने वाकयात ऐसे हुए सिर्फ खौफ की वजह से, डर की वजह से, और वो डर हम लोग फैला रहे हैं, वो डर हम इंसान ही फैला रहे हैं। इसलिए कि देखो एक मिसाल में बयान करूं, एक आदमी है, पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा डॉक्टर उसके पास आता है, कहता है कि कुछ नहीं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, मालूम सी बीमारी है, मैंने ऑपरेशन कर दिया है, सक्सेसफुल है, इंशाल्लाह भी दो चार दिनों में आप दौड़ने लगेंगे। वो आदमी बेचारा मुतमईन हो जाता है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाऊंगा। ये दिल से खुश होना और इत्मीनान दिल के आ जाना उसकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो और जल्दी जो है अच्छा होने लगता है। वहीं उसका कोई रिश्तेदार आता, हाँ ऐसा हो गया, अरे परसों यही सेम बीमारी और सेम ऑपरेशन ऐसा करवाए, वहाँ पर दो दिन में मर गए थे, देखो हमारे फला रिश्तेदार बस ऐसे अच्छे थे, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, उसके तीसरे दिन अचानक कुछ हुआ मर गए, देखो। अब वो आदमी क्या सोचेगा, ज़रा सोचो, उसकी सेहत और अच्छी होगी या डर की वजह से और बैठती जाएगी बेचारा? तो वो काम हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। मेरी नसीहत है कि ये काम मत कीजिए, अच्छी बातें फैलाइए, है ना, गलत बातें मत फैलाइए, और इस फैलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है गलत की बातों का, है ना, कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से चौथी नसीहत, अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए। हर हाल में एक ईमान वाले को अच्छा गुमान रखना चाहिए। शैतान जो है ना वो हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, बदगुमानी करता रहता है, अल्लाह के खिलाफ हमारे दिल दिमाग के अंदर बातें डालता रहता है, और दो मौक़ों पर तो ख़ास तौर से हमें बदगुमानी दिलाता है अल्लाह के खिलाफ। दो मौके कौन से? एक मौका वो जब हम किसी खैर की ख्वाहिश कर रहे हों, औलाद नहीं हो रही हो, औलाद चाह रहे हो, माली परेशानी है, माल चाह रहे हो, या इसी तरीके से कोई और दुनियावी ख्वाहिश है अल्लाह से मांग रहे हो, नहीं मिल रही हो, तो शैतान वसवसांदाजी करता है, बदगुमानी डालता है कि देखो अल्लाह तुम्हारी सुनी नहीं रहा, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम कब से पुकार रहे हो मगर अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनने वाला ही नहीं, अल्लाह की नज़रों में तुम महबूब ही नहीं हो, अल्लाह की नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा मौका वो कि जब हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, किसी आफत में गिरफ्तार होते हैं, या कोई आजमाइश हमारे ऊपर हो जाती है, या कोई हमारे चाहने वालों में से चला जाता है, तो उस मौके पर भी शैतान हमारे दिलो दिमाग में वसवसांदाजी करता है कि देखो आजमाइश के लिए तुम ही मिले थे, देखो सारी मुसीबतें सिर्फ तुम पर ही आ रही, देखो अल्लाह को आजमाने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हुए हो। इस किस्म की बातें शैतान डालता रहता है, मगर असली मोमिन वो है, असली मुसलमान वो है जो हर हाल में अपने रब पर अच्छा गुमान रखे, मेरा रब मेरे साथ ऐसा कर रहा है बेहतर ही कर रहा है, कोई खैर ही होगा, मैं फिलोकस समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन इसमें भी मेरे रब की कोई भलाई छुपी हुई होगी, ये गुमान रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह कहता है हदीस कुदसी है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, बंदा जैसा सोचता है मेरे मुताल्लिक वैसा रिजल्ट मैं उसको देता हूं, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। इसलिए आज मेरे भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मकरूज हो फिर भी, औलाद नहीं है फिर भी, बीमारी है फिर भी, मुसीबत है फिर भी, दुनिया की परेशानियों में घिरे हुए हो फिर भी, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में, आफतों में घिरे हुए हो फिर भी,
फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, बताओ अपने रब पर तुम्हारा गुमान कैसा है, तुम अपने रब के बारे में कैसा सोचते हो। अगर रब पर भरोसा है, आपका जवाब यह है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, तब तो मोमिन। और अगर कहते हो कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अल्लाह क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो फिर जान लो ये तो मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह ने सूरह फतह की आयत नंबर 6 के अंदर यही तो कहा, अल्लाह ने कहा वयुअज़्ज़िबुल्लाहु अल-मुनाफ़िकीना वल-मुनाफ़िकाती वल-मुश्रिकीना वल-मुश्रिकाती ज़ानीना बिल्लाहि ज़न्नस्सौ, कि बदगुमानी तो मुशरिक मर्द, मुशरिका औरत, मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरत ही करते हैं। मोमिन आदमी अल्लाह पर बदगुमान नहीं होता है। इसलिए अगर हम भरोसा करते हैं उस तरह जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने वक्त किया था, अगर हम भरोसा करते हैं उस तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे फौर में किया था जबकि दुश्मन सामने मौजूद था, उसके पैर नजर आ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे अबू बकर घबराओ नहीं, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। अगर भरोसा उस तरह करते हैं जिस तरह अम्मा हाजरा ने किया था कि अपने शौहर से पूछा था कि मेरे शौहर किसके भरोसे पर छोड़कर जा रहे हो, जहां कोई बंदा नहीं, बंदी नहीं, जानवर नहीं, परिंदा नहीं, किसके भरोसे पर छोड़कर जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था बीबी अल्लाह के भरोसे पर, और कहा था अम्मा हाजरा ने, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं, अल्लाह हमको जाय नहीं करेगा। अगर भरोसा इस तरह करते हो तो फिर घबराते क्यों, खौफ में क्यों हो, डर डर कर क्यों जीते हो। भरोसा करो ना अपने रब पर, वो हमें जाय नहीं करेगा। पांचवी नसीहत ये कि तौबो इस्तगफार करो, तौबो इस्तगफार करो, अपने गुनाहों को बता बता कर अल्लाह से मांगो, गुनाहों को बताओ, फला गलती अल्लाह हो गई आइंदा से नहीं होगी, फला गुनाह मैंने कर दिया अब नहीं करूंगा। ये मिसालें मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, नबियों की मिसालें। यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हो ना अच्छी तरीके से, क्या दुआ की थी मछली के पेट में जब पहुंच गए, एक छोटी सी भूल हो गई मछली के पेट में पहुंच गए, क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, मैं गुनहगार हूं मुझसे भूल हो गई, इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से मैं हूं मुझसे खता हो गई, मेरे रब मुझे माफ फरमा दे। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ए हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया है और अगर तूने माफ नहीं किया, बख्शा नहीं, दरगुजर नहीं किया तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अपनी गलतियां बताओ रब को, छुपाओ नहीं, रब सब जानता है, बताओ, बता बता कर मांगो, अल्लाह फलां गलती हो गई माफ़ कर दे, अल्लाह फलां गलती हो गई बख्श दे, फलां कसूर हो गया अल्लाह माफ़ फरमा दे, तेरे सिवा गुनाहों का कोई माफ़ फरमाने ना वाला नहीं। उस रब से मांगो, इंशाअल्लाह मुसीबतें दूर होंगी, दिल के अंदर राहत सुकून मिलेगा, अल्लाह ताला मुतमईन दिल को कर देगा। ये चंद नसीहतें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी और इस उम्मीद के साथ रखी है कि बातों को समझेंगे, इन बातों पर अमल करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इल्म ना होने की वजह से, सही जानकारी ना होने की वजह से गलत रुख पर चले जाते हैं, अल्लाह से बदगुमान हो जाते, या इसी तरीके से इस सिचुएशन में अगर उलमा आइम्मा उनसे कहते हैं कि भाई एहतियात करो, नहीं करते, हो हम नहीं करते, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ये कोई एहतियात वात कुछ नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये ईमान के ख़िलाफ़ है, इस किस्म की बातें करते हैं, गलत चीज़ है, गलत बात है। उलमा आइम्मा इस वक्त जो नसीहतें कर रहे हैं वो किताब व सुन्नत की रोशनी में हैं, जो बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुँचें उन पर अमल कीजिए। एक बात और भी आखिर में मैं कहूँगा, उसके बाद बात को ख़त्म करूँगा। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं निकलने के बाद मस्जिद की गेट से वहाँ जाकर ठहर जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, ये ख़िलाफ़ है इस वक्त, ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और कभी भी गेट के सामने या आसपास इस तरीके से इकट्ठा हो जाना है ना, ये बेहतर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। या तो मस्जिद के अंदर रहें, जिक्र अस्कार करते रहें, आपको सवाब मिलता रहे, या फिर घरों को चले जाएँ, है ना, घर वालों का हक अदा हो जाएगा।
घर के अंदर खाली औकात में रहना चाहिए, एक भी बेहतर चीज़ है। तो इन बातों का ख्याल, ख़ास ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। बारी ताला हमें तौफीक दे हम खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों को बता बता कर अल्लाह ताला से बख्शिश करवाएँ। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी, हमारे बच्चों की, औरतों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस वबा को दूर फरमा दे। बारी ताला मुसीबतों, गम, रंज को अल्लाह ताला हमसे दूर फरमा दे। कारोबारी हजरात परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। उनके दिलों को तू मुतमईन कर दे, उनके दिलों को कुशादा कर दे, उनके दिलों को तू अल्लाह ताला मालदार और गनी बना दे। बारी ताला हर शख्स को मसाइब से, मुश्किलात से बचा ले। बारी ताला बारिश की ज़रूरत है, अल्लाह ताला बारिश का नुज़ूल फरमा। तेरी रहमतें हैं, तेरी बरकतें हैं, तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सिर्फ़ तुझसे मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तेरे अलावा हमारा कोई मौला मददगार नहीं। बारी ताला जो चीज़ें हम तुझसे मांगते हैं वो भी इनायत फरमा दे, जो चीज़ें नहीं मांग पाते हैं, भूल जाते हैं, वो भी इनायत फरमा दे। आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।